नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल रेसिपी बाजार में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पुलाव। ये 15 मिनट से भी कम में बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको कुछ जल्दी बनाना हो तो आप इसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बासमती राइस, हरी मटर, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, काजू, किशमिश, नमक, हरी मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल या घी गर्म करेंगे। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो और प्रेशर कुकर में भी। आप अपने अकॉर्डिंग कढ़ाई या प्रेशर कुकर चूज कर ले। इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 तेज पत्ते। बहुत ही आसान है इसे बनाना। एक बार आप दिखा देंगे ना किसी को भी, आराम से इसे वो बना पाएंगे। ना ही ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, ना ही ये कच्चे रहेंगे, ना जलेंगे। सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसमें ऐड करेंगे सब्जियां, चॉप प्याज, छोटी कटी गाजर, खड़े गर्म मसाले जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, ड्राई फ्रूट्स में काजू और किशमिश। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च के पाउडर यूज नहीं करेंगे। इन्हें थोड़ी देर सौते करेंगे। गाजर को पहले हमने इसलिए डाला है क्योंकि इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग वेजेस डालें। मुझे ये सब्जियां पसंद है पुलाव में, इसलिए मैंने ये सब डाला है। आप इसमें बीन्स, फूलगोभी वगैरह भी डाल सकते हो। वेजेस थोड़ी सोते हो गई है, अब हम ऐड करेंगे किशमिश। किशमिश हमने बाद में डाला है क्योंकि इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है। अब ऐड करेंगे चॉप्ड शिमला मिर्च और हरे मटर। इन्हें भी हम थोड़ी देर सोते करेंगे। हमें इन सब्जियों को पूरी तरह नहीं पकाना है, बस हल्का सा ही सोते करेंगे। चावल को 20 से 15 मिनट पहले पानी में भिगा देना चाहिए। बस मैंने इसे धोकर भिगा दिया है। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, कोई भी कंपनी के, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस 15 से 20 मिनट कम से कम भीगी होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं चावल। चावल जब डालेंगे यहाँ पे एक ट्रिक को समझ लीजिए। आपको बहुत ज्यादा जोर से नहीं चलाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से चलाएंगे वरना चावल टूट जाते हैं। अब बारी आती है कि पानी कितना डाला जाए। हम जितना चावल लेते हैं उतना ही पानी डालते हैं। मान के चलिए जिस कटोरी या ग्लास से आपने चावल नापे थे उतना ही पानी लगता है। हमने वेजिटेबल्स भी डाली है तो आधा कप एक्स्ट्रा पानी डालेंगे, क्योंकि हमें वेजेस को भी तो पकाना है। हमने पहले नमक नहीं डाला था तो अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी। इन्हें हम हल्के हाथों से थोड़ा चला लेंगे ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। ढक्कन लगा के इसे पका लेंगे 5 मिनट के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो बस एक विशल आने तक पकाएंगे। 5 minutes later. ये देखिए चावल हमारे पक गए हैं। बिल्कुल खिले खिले चावल है और वेजिटेबल्स भी पूरी अच्छी तरह से पकी हुई है और ये जली भी नहीं है। ये पुलाव आप कल भी खाओगे तो इसका स्वाद नहीं जाएगा और ना ही चावल आपस में चिपकेंगे। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।